हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जितना लव एंड सपोर्ट रिसेंट टाइम में मेरे चैनल को आप लोगों से मिला है वो अल्टीमेट है। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिस तरह से आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं और उसी तरह से आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे, तो जितना अच्छा कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ आपके लिए प्रोड्यूस करूँगा, जितनी अच्छे वीडियोज़ मैं क्रिएट कर सकता हूँ मैं क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूँगा और मैं लगातार इम्प्रूव कर रहा हूँ। दोस्तों, रिसेंट टाइम में जितना भी सपोर्ट आपने दिखाया है, जितना भी लव आप लोगों ने दिखाया है, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपको बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने कंपैरिजन किया था i5 10 जनरेशन का राइजन 5 4600S CPU से। तो अगर उसके बारे में आपको कुछ भी जानना है, वो कंपैरिजन देखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज समझने हैं, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर फोकस करते हैं और इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूं i5 10 जनरेशन का राइजन 7 4800S CPU से और इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपका बजट 60,000 रुपीज़ से लेकर के 1 लाख रुपीज़ तक का है और इसके बीच में आप कोई लैपटॉप चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इन दोनों CPU से ही टकराना पड़ेगा। और आप कंफ्यूज भी हैं, क्योंकि कमेंट से मुझे पता चल जाता है, आप लोगों की क्वेरीज लगातार मिल रही हैं कि सर, इन दोनों में से बताइए कि कौन सा ज़्यादा CPU ज़्यादा एडवांटेज लेकर के आएगा। अब ये चीज़ तो क्रिस्टल क्लियर पहले से ही है कि भाई, राइजन 7 4800H 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स ऑफर करता है, तो ये परफॉर्मेंस तो बिल्कुल बीस्ट वाली दे रहा है, क्योंकि इससे पहले ये परफॉर्मेंस 1,20,000 रुपये में भी नहीं मिलती थी। अब तो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल रही है इतने कम प्राइस पर। तो यही सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, डिटेल्ड कंपैरिजन है ये, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं टेक्निकल ड्रॉप्स, लर्न समथिंग टेक्निकल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाएंगे, क्योंकि आप लोग भी फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। चलिए फटाफट कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोस्तों, i5 10 300H CPU की बात करें तो उसकी बेस क्लॉक है 2.5 GHz एंड राइजन 7 4800H की बेस क्लॉक है 2.9 GHz। अब दोस्तों, राइजन 7 CPU की बेस क्लॉक 3 GHz के आसपास है, तो इसकी एडवांटेज आपको गेमिंग में देखने को मिलेगी। जब आप अपने लैपटॉप को बैलेंस मोड पर या फिर साइलेंट मोड पर रखेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आपके CPU के फैंस जो हैं वो तेज़ स्पीड पर काम नहीं कर रहे होंगे और आपके CPU को इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं मिल रही होगी, तब भी आपका CPU जो है वो अपनी बेस क्लॉक स्पीड यानी कि फ्रिक्वेंसी को 3 GHz पर बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उससे नीचे तो उसकी फ्रिक्वेंसी जाएगी नहीं। और ऐसे केस में आपका जो पर्टिकुलर गेम आप खेल रहे हैं या जो भी चीज़ें आप अपने लैपटॉप में कर रहे हैं, तो आपको स्टटरिंग, लैग, इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी और फ्रेम ड्रॉप्स जो हैं वो ना के बराबर कम देखने को मिलेंगे। हालांकि साइलेंट मोड पर जब आपके CPU को पावर आप कम देते हैं तो फ्रेम ड्रॉप्स तो होते हैं, लेकिन और किसी CPU के कंपैरिजन में, i5 के कंपैरिजन में आपको उतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब बूस्ट क्लॉक स्पीड की बात कर लेते हैं। i5 10 300H में आपको 4.5 GHz की बूस्ट क्लॉक मिल जाती है, Ryzen 7 4800H में आपको 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक मिल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवांटेज लेकर के आता है i5 CPU, लेकिन इस एडवांटेज का कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आप नहीं ले पाओगे। 3-5 FPS का डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है गेमिंग में। और आजकल मतलब फ्यूचर में इस तरह के गेम्स डिज़ाइन किए जाएंगे जो ज़्यादा कोर्स एंड ज़्यादा थ्रेड्स का एडवांटेज ले पाएंगे, लेकिन इस CPU में तो आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड ही मिलते हैं, तो यहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। फ्यूचर में डेफिनेटली ये CPU आउटडेट होने ही वाला है। अब मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 1-2 साल 3-4 साल आपके ये CPU नहीं कटवा पाएगा, बिल्कुल कटवा देगा। अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है तो i5 CPU आप ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ गेमिंग करनी है। लेकिन अगर आपको इंटेंसिव वीडियो एडिटिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, या फिर बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाने हैं, या फिर कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर चलाने हैं जो बहुत ज़्यादा CPU इंटेंसिव होते हैं, तब आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस की अहमियत पता चलेगी। तब आपको समझ में आएगा कि भाई, अगर CPU में ज़्यादा कोर्स होते हैं तो कितना मज़ा आता है, कितनी स्पीड पर वो पर्टिकुलर CPU काम कर सकता है। बता ही चुका हूँ मैं आपको कि 4 कोर्स मिल जाते हैं i5 10 जनरेशन में एंड Ryzen 7 में मिल जाते हैं 8 कोर्स। और यहाँ पर आपको थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं i5 में 8 थ्रेड्स एंड Ryzen 7 में 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इंटीग्रेटेड GPU की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड GPU आपको Ryzen 5 में मिलता है Intel Ultra HD ग्राफिक्स एंड Ryzen 7 में आपको देखने को मिल जाता है AMD Radeon 7। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। बूस्ट फ्रिक्वेंसी की बात करें iGPU की, तो 1.1 GHz तक बूस्ट हो सकता है i5 का इंटीग्रेटेड GPU एंड Ryzen 7 का इंटीग्रेटेड GPU बूस्ट हो सकता है 1.6 GHz। और इसके जो स्कोर्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट तक बता ही दूंगा, क्योंकि वहाँ मैं कंपैरिजन करूँगा, इसकी बेंचमार्किंग करूँगा इन दोनों CPUs की, तो आपको पता चलेगा। ट्रांजिस्टर साइज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, 40 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है i5, इंटेल का i5 एंड 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है Ryzen 7।
तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर सीपीयू कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है, जैसे कि ये 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है, तो ऐसा कोई भी सीपीयू जो कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बनता है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेकर के आता है। जैसे कि उस पर वो पर्टिकुलर सीपीयू जो है वो कम पावर कंज्यूम करेगा, पावर कंजम्पशन उसका कम हो जाएगा, पर्टिकुलर सीपीयू का स्पीड उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, और इसी के साथ साथ वो पर्टिकुलर सीपीयू जो है ना वो हीट भी कम जनरेट करेगा, क्योंकि पावर जब वो कम ले रहा है तो हीट भी कम जनरेट करेगा। और वहाँ पर आपको एक एडवांटेज और देखने को मिलेगी कि उसी पर्टिकुलर सीपीयू की चिप में ज़्यादा कोर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर ज़्यादा थ्रेड्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली ये जो थ्रेड्स होते हैं वो तो लॉजिकल कोर्स होते हैं, मतलब रियल में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो तो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है सीपीयू को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की। लेकिन जो फिज़िकल कोर्स होते हैं ना वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं अगर कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है कोई पर्टिकुलर सीपीयू, क्योंकि सीपीयू चिप के अंदर एक लिमिटेड स्पेस ही होता है, वहीं पर सारी चीज़ें करनी होती हैं। इंटीग्रेटेड जीपीयू भी उसी में लगाना है, उस सीपीयू में जितने कोर्स हैं वो भी सारी उसी में इंस्टॉल करनी है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। दोनों ही सीपीयू डुअल चैनल मेमोरी को सपोर्ट करते हैं, तो दोनों ही सीपीयू के साथ में आप डुअल चैनल मेमोरी के एडवांटेज ले सकते हैं, डुअल चैनल रैम के एडवांटेज ले सकते हैं। और रैम कैपेसिटी की मैं आपको बात बताऊं तो दोनों ही सीपीयू 32 GB तक रैम को सपोर्ट करते हैं। ये लिमिटेड होता है मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग भी, मतलब कोई पर्टिकुलर मदरबोर्ड जो है वो कितने GB की रैम सपोर्ट करता है ये उस पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर हम बात करते हैं रैम स्पीड की, तो इंटेल सीपीयू में आपको देखने को मिलेगी 2933 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, एंड राइजन सीपीयू में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम तक की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर रैम की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो इसकी एडवांटेज आपको मल्टीटास्किंग में या फिर कोई भी ऐसा काम जहाँ पर रैम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब ECC एरर करेक्शन कोड वाली मेमोरी, इसको मैं किसी डेडिकेटेड वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि इंटेल का जो सीपीयू मतलब i5 सीपीयू है वो ECC मेमोरी सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन Ryzen 7 ECC मेमोरी को सपोर्ट करता है। जो लोग ECC मेमोरी के बारे में जानते हैं उनको पता होगा, मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, अभी के लिए आप इतना ही जानिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं यहाँ एक्सप्लेन करने लगा। CPU ट्रांजिस्टर साइज़ की बात करें तो वही सेम पहले की तरह 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है Ryzen 7 एंड 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है i5। TDP थर्मल डिज़ाइन पावर की बात कर लेते हैं, i5 को आप 35 वॉट से लेकर के 45 वॉट तक दोनों के बीच में कहीं पर भी कन्फिगर कर सकते हैं, और वहीं Ryzen 7 4800S CPU को आप 35 वॉट से लेकर के 54 वॉट तक कहीं पर भी कन्फिगर कर सकते हैं। इस CPU को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं, ऑलरेडी इतनी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दे रहा है तो ओवरक्लॉक की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को आप समझ के रखिए कि ओवरक्लॉक आप तब तक मत करिए जब तक आपको ज़रूरत ना हो, मैं आपको एडवाइस ही नहीं देता हूँ ओवरक्लॉक करने की क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर थ्रॉटल जंक्शन की अगर हम बात करें तो 100°C तक थ्रॉटल नहीं करेगा इंटेल का CPU एंड 105°C तक थ्रॉटल नहीं करेगा Ryzen CPU। यहाँ पर Ryzen में आपको डेफिनेटली एडवांटेज देखने को मिलेगी इस बात की, क्योंकि इसका थ्रॉटलिंग पॉइंट थोड़ा ऊपर है, और जब आप गेम्स खेल रहे होंगे बहुत इंटेंसिवली अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे होंगे, एक बार को अगर आपके लैपटॉप का थर्मल सिस्टम इतना बेटर भी नहीं है तब भी आपका लैपटॉप जो है ना उसका जो CPU है वो अपनी परफॉर्मेंस को रिड्यूस नहीं करेगा और वो आपको शानदार सी परफॉर्मेंस देता रहेगा, तो ये थोड़ी सी बेटर बात है। और यहाँ पर प्रॉपरली CPUs को टेस्ट किया जाता है लैब में, सब कुछ परखा जाता है, उसके बाद ही मार्केट में CPU लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको आप अगर सोच रहे हैं कि यार इतने ड्यूरेबल नहीं है Ryzen CPU, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग डेस्कटॉप वगैरह बनाते हैं या अगर आप गेमिंग कंप्यूटर्स के बारे में जानते होंगे तो ये बात आपको पता होगी कि AMD ही सबकी पहली रिकमेंडेशन होती है, AMD ही सबसे पहले लेना चाहते हैं क्योंकि कम पैसे में AMD ही जो है वो ज़्यादा कोर्स एंड ज़्यादा थ्रेड्स दे सकता है, इंटेल नहीं दे सकता। इंटेल एक बहुत बड़ा ब्रांड है तो उस वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू भी है और उस हिसाब से उसके CPU महंगे भी हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। दोनों ही CPUs की लाइफ एक जैसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई इंटेल जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और Ryzen कम लॉन्ग लास्टिंग है, या Ryzen लॉन्ग लास्टिंग है इंटेल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। चलिए दोस्तों अब इन दोनों CPUs के बेंचमार्क स्कोर्स को कंपेयर करते हैं, जहां आपको पता चल जाएगा, क्लियर कट क्लियर हो जाएगा आपको कि कौन सा CPU ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो यहां पर आप देखिए Cinebench R20 सिंगल कोर स्कोर की जब हम बात करते हैं तो i5 में आपको देखने को मिलेगा 458 पॉइंट का स्कोर, एंड Ryzen 7 में आपको देखने को मिलेगा 482 पॉइंट्स का स्कोर। यहां पर 5.2% ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है Ryzen 7 जो CPU है, तो यहाँ पर इसकी एडवांटेज आपको गेमिंग में ही देखने को मिलेगी या फिर मल्टीटास्किंग में भी देखने को मिलेगी।
जैसा काम करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगी। सिनेबेंच R20 मल्टी कोर स्कोर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि 2135 पॉइंट जनरेट करता है i5 CPU एंड 4340 पॉइंट जनरेट करता है Ryzen 7 CPU, 103% की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है। तो इतनी परफॉर्मेंस को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्राइस जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, 5-6 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे जस्ट आपको, और ये वाला CPU आपको मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस का डिफरेंस आप देख रहे हैं, डबल है, डबल डबल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो सोचिए आप क्या क्या काम नहीं कर सकते अपने लैपटॉप पर, कितनी स्पीड आपको मिलेगी, कितना मज़ा आएगा। खैर अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो इमेजिन कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब दोस्तों IGPU स्कोर्स को कंपेयर करते हैं, मतलब इंटीग्रेटेड GPU को कंपेयर करते हैं। 422 पॉइंट जनरेट करता है i5 का इंटीग्रेटेड GPU एंड 1433 पॉइंट जनरेट करता है Ryzen 7 का इंटीग्रेटेड GPU। यहाँ आप देखेंगे कि 239% की एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस आपको इस CPU में मिल जाती है, इसके इंटीग्रेटेड GPU में। ये ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स है, तो इतने एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन गेमिंग लैपटॉप्स में आपको इसकी कोई खास बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर डेडिकेटेड GPU होता है आपके गेम्स को चलाने के लिए। तो डेडिकेटेड GPU जब इनेबल्ड होगा तो इस इंटीग्रेटेड GPU की जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ पर दबकर रह जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, डेडिकेटेड GPU है वहाँ आपके पास इतना पावरफुल। तो इंटीग्रेटेड GPU का इतना कोई एडवांटेज नहीं है। इसका एडवांटेज तभी है जब डेडिकेटेड GPU डिसेबल्ड हो, इंटीग्रेटेड GPU पर ही आप काम करें तब आपको एडवांटेज देखने को मिलेगी। अब क्योंकि स्पेशलिटी है तो बताना तो है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे, जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दी हैं। अगर आपके अब भी कुछ क्वेरी हैं, अब भी कुछ डाउट हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उससे पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या फिर आपको रिप्लाई करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस से मेरा चैनल भरा हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसी टाइप के टॉपिक में तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार जा करके विजिट कीजिए, देखिए सारी चीज़ें उसमें कि कहाँ कहाँ पर कौन सा वीडियो है। आपको ज़रूर कुछ शानदार चीज़ें पता चलेंगी। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।